आज का व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज है 14 अप्रैल और आज बोहाग बिहू का सेकेंड डे है। और आज है गोरु बिहू। गोरु मतलब गो और काओ। और आज का दिन हम लोग गोरु को नहलाते हैं, गोरु को पूजते हैं। मतलब अलग सिस्टम है। गोरु को पेडी फील्ड में ऐसे या रिवर के पास और ऐसे स्ट्रीम रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं, लेक वगैरह रहता है, तो वहाँ पे लेके जाके गोरु को नहलाते हैं। वो एक अलग वीडियो बना लूँगी मैं। और आज मैं अभी जो दिखाऊंगी, अभी है हम लोग गोरु के लिए अलग चीज़ यूज़ करते हैं उनको, गोरु को नहलाने के लिए। और अभी हम लोग जो इंसान है, इंसानों के लिए ये है हल्दी। ये अलग टाइप का हल्दी है जो हम लोग स्किन में लगाते हैं। इससे इससे नहाते हैं। मतलब ये केटुरी हल्दी बोलते हैं इसको, इसका नाम केटुरी, हम लोग हलोधी बोलते हैं हल्दी को। और इसको अभी मुझे सिलपट्टे में ना पीसना है। पीस के फिर ये लगा के मतलब नहाना है मुझे। और ये इंसान के लिए है और गाय के लिए, गौ के लिए अलग है, वो मैं अलग वीडियो बना लूँगी। और ये है काली दाल, हम लोग माटी माँ बोलते हैं इसको। ये माटी माँ जो है, ये भी पीसते हैं। और इसको पीस के फिर इसमें स्किन में मतलब लगाएंगे और फिर नहाएंगे। और ये है ठेकेड़ा, इसको ठेकेड़ा बोलते, एक फ्रूट है ठेकेड़ा। और इसको ना, इसको पीसते नहीं, इसको ना जलाते, इसको जला के बाल में लगाएंगे। ये दो चीज़ जो मतलब हल्दी और ये माटीमा हम लोग स्किन में लगाते हैं बॉडी पे, और ये लगाएंगे बाल में, इसको जला के लगाते हैं। और अभी मुझे इसको पीसना है। और ये है बनाना लीफ, पीस के यहाँ पे रखना है। ठीक है, मैं पीस लेती हूँ। हाँ, आप लोग देखते रहिए। आज का दिन में ना सुबह सुबह जो जेंट्स होते हैं ना, वो लोग गो को नहलाने के लिए चले जाते गो लेके। आजकल तो कम ही हो गया, मतलब ट्रैक्टर वगैरह ज़्यादा है ना, पर है गांव में गो है तो गो को नहलाते हैं। जितना भी है गोरू लेके जाते हैं। और मेल जाते हैं, मतलब फीमेल घर पे रहते, जेंट्स लोग गो को नहलाने के लिए लेके जाते हैं। और जो फीमेल है घर के जो महिलाएं हैं, वो लोग ये सुबह सुबह जल्दी उठ के ये पीसते हैं, हल्दी और माटीमा ये पीस के फिर जल्दी नहा के रेडी हो जाते हैं। और बहुत सारा मतलब आज का खाना भी अलग टाइप का होता है। मतलब 101 सब्जी बनाते, एक साथ बनते हैं 100। हाँ, मतलब 101 टाइप का वैरायटी का सब्जी, लीफी वेजिटेबल और ऐसे वो वेजिटेबल भी मिक्स करके बनाते। वो एक आइटम होता है, मतलब उसका फ्राई बनते हैं, वो सब्जी बनाते हैं वो है। और फिर आज गोरु बिहू के टाइम में, मतलब गोरु बिहू के दिन अलग कुछ कुछ ये भी होता है कहीं कहीं भी अलग। एक्चुअली असम में बहुत सारे ट्राइब है ना, तो बहुत सारे कम्युनिटीज़ है। मैं मोटोक कम्युनिटी से हूँ। और किसी किसी कम्युनिटी में, ट्राइब में कुछ अलग अलग भी नियम है, सिस्टम है, और हमारा तो ऐसा ही है। और गाय को नहलाते हैं ना, तो वो वीडियो में अलग से बना के दूंगी।
इसको ऐसे पीसते हैं, सिलपट्टे में पीसते हैं इसको लगाने के लिए, मतलब ये ट्रेडिशन है ना गाँव में। असमीज लोग जो टाउन में रहते वो लोग भी ऐसे ये सब जो भी सिस्टम है फॉलो करते हैं बिहू का। ये है माटी दाल, माटी माँ, हम लोग माटी माँ बोलते हैं, ये तो खाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये दाल बहुत पसंद है। साथ में पीस देती हूँ, एक साथ पीस के इसको लगाना है, इसका पेस्ट बन जाता है इसे पीस के। बोहाग बिहू जो है असामीज लोगों का मतलब सबसे बड़ा फेस्टिवल है, और ये हैप्पीनेस, खुशी और प्यार का, मतलब क्या बोलेंगे, सब खुश, चारों तरफ से खुशियाँ खुशियाँ, गर्ल्स बॉयज डांस करते हैं, बहुत सारा इवेंट होते हैं, पब्लिक इवेंट, डांस और सिंगर वगैरह आते हैं उसमें, गाना गाते, बहुत सारा चीज़ें हैं इसमें। मैं वीडियो बनाती जाऊँगी और दिखाती जाऊँगी। ऐसे बनाना लीफ में ओके देन, बाय, टेक केयर, हैप्पी गोरु बिहू।